मैं बिग बॉस से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि जब से राजीव घर में आया है तब से सदस्यों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगी है। पहले तो उस दिन ही करण एंड निशांत उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे और कह रहे थे अब जे क्या लेने आ गया और इतना सामान ले आया, क्या जे यहाँ पर घर बसाएगा, उसके बारे में ऐसी बातें कह रहे थे। और जब आज रश्मि देसाई, शमिता शेट्टी एंड राजीव दो तीनों एक साथ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनका बॉन्ड देखकर घर वालों को कहीं ना कहीं जेलस होने लगी है और घर के सदस्य सोच रहे हैं कि बिग बॉस ने इसको किस वास्ते भेज दिया है, क्या इसके पास कोई खास पावर आएगी भी या नहीं। लग तो ऐसे रहा है कि ये तो जैसे पहले आया था वैसे ही आया है नॉर्मल और वैसे ही निकल जाएगा और कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और राजीव जब से आए हैं तब से वो रश्मि से उमर रियाज की बातें कर रहे हैं जिसके कारण तेजस्वी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है और तेजस्वी इस बात पर बहुत ज़्यादा भड़क रही है। और राजीव ने भी आकर तेजस्वी और राखी को कहा कि जब उमर घर से गया था तो तुमने जो उनके बारे में बहुत बुरी बातें की थी ना, मुझे उस बात से बहुत गुस्सा आया था और उनको कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाई है जिसके कारण वो दोनों बैठकर उसकी बिचिंग कर रही है और कह रही है कि जी जब से आया घर का माहौल ख़राब कर दिया है, क्या क्या जी पट्टियाँ पढ़ा रहा है पता ही नहीं चल रहा, और अगर अपना दोस्त इसे इतना ही प्यारा है तो उसके पास ही रह जाता, यहाँ क्यों आया है, कब से आया है, उमर उमर कर हमारे कान पका रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है इसे उमर और हमें तो नहीं आ रहा, सदस्य था चला गया, अब हम क्या करें, अब हम रोएं, उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन राजीव ने भी ये बात कह दीजिए कि थोड़ी देर में आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा होगा और मैं सबको देख लेना, मैंने हंसा तो बहुत दिया है, अब मैं सबके साथ बदला लूंगा और देखना ये होगा कि आखिर में राजीव कास्ट तो आया है और अब क्या करेगा वो, जिसके कारण वो सभी घर वालों को डरा रहा है कि मैं आप देख लेना आप सबका कैसे जीना हराम करता हूँ, देख ये तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और आप तेजस्वी की इन बातों से कितने के सहमत है हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अपडेट के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।